नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन जिले के ग्रामोंदिया क्षेत्र में, और इसलिए क्योंकि यहां पर आज शरद पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि इस दिन आमतौर पर जहां हर जगह खीर प्रसादी बालिकाओं में बांटी जाती है, लेकिन यहां जो खीर प्रसादी बनती है वो आयुर्वेदिक खीर प्रसादी बनती है और करीब 108 जड़ी बूटियाँ इसमें मिलाई जाती है और ये कई तरह की बीमारियों में फायदेमंद साबित होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इस खीर प्रसादी को वो लोग खा सकें और अपने रोगों से निजात पा सके। हमारे साथ यहाँ के जो लोग मौजूद हैं जो इस आयोजन को करने वाले हैं, उन्हीं से बात करेंगे किस तरह का यह आयोजन होता है और कब से चला आ रहा है और क्या जड़ी बूटियाँ हैं जो मिलाई जाती है और कौन किन सी बीमारियों पर काम देती है। ये आयोजन है, इसमें दमा स्वास्थ्य एलर्जी की दवाई खीर के साथ में पिला रहे हैं। इसमें आसपास के तकरीबन 4-5 जिलों के लोग आए हैं और तकरीबन 4-5 हज़ार लोग रहेंगे और 8 से 9 क्विंटल दूध की खीर बना रहे हैं और सबको पिलाएंगे और इसका निःशुल्क है पूरा शुल्क। बताते हैं कि करीब 108 जड़ी बूटियां इसमें मिलाई जाती है और इसीलिए कई तरह की बीमारियों पर यह काम देती है। ये 108 प्रकार की जड़ी बूटियां जो अभिमंत्रित करके अलग अलग तिथि के साथ में उनको अभिमंत्रित करके लाते हैं और छाव में उनको पका कर बनाते हैं। इनको आज शरद पूर्णिमा के दिन पीने से अलग ही महत्व रहता है, इसलिए आयोजन साल भर में एक ही दिन होता है शरद पूर्णिमा की रात को। करीब 2 महीने पहले से ही जो है आप लोग उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, जड़ी बूटियाँ स्वयं लेने जाते हैं जंगलों में, खोज करते हैं लेकर के आते हैं। इस जड़ी बूटी को तकरीबन 3 प्रदेश से बुलाते हैं और इसको बनाने में तकरीबन 3 महीने का समय लगता है। प्रांतों के नाम बता सकते हैं? इसमें आते हैं महाराष्ट्र से आती है, गुजरात से आती है और एमपी से आती है। आने वाले समय में क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर खाटू श्याम जी का रहेगा जो देखने और भक्ति के लायक रहेगा। यहाँ कितने कितने एरिया में बन रहा है और कितने लागत से बन रहा है और क्या क्या चीज़ें निर्माण हो रही है? 2.25 बीघा में बन रहा है और लागत करीब 3 करोड़ रुपए है जमीन की कीमत सहित। भैया क्या नाम लिखते हैं? सचिन पाटीदार। भैया खीर बना रहे हैं, कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लग रहे हैं? ये खीर हमने शाम 6 बजे से कार्यक्रम चालू किया है इसको बनाने का, और व्यक्तियों की तो कोई गिनती नहीं है, सभी अपना सहयोग देते हैं। जिनको दिक्कतें हैं दमा सांस एलर्जी की वो लेने आते हैं और उन्हें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी होता है। जैसे आप 6 वर्षों से खीर बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? नॉर्मली जो खीर बनती है वही रहती है, उसमें औषधि रूप से अलग से औषधि दी जाती है, इसमें मिला के फिर वो दी जाती है। उसमें बहुत सारी पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़ें, इस प्रकार की औषधियां रहती है वो दी जाती है। तो जैसा कि अलग अलग प्रांतों से जड़ी बूटियां एकत्रित की जाती है, 2 महीने पहले से लोग तैयारी में लग जाते हैं और इसी के बाद यहां आती हैं, पूरी प्रोसेस होती है और उसके बाद में जो श्रद्धालु आते हैं उनको ये खीर प्रसादी बांटी जाती है ताकि वे लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहे। क्या नाम लिखते हैं? विनोद पाटीदार। कहाँ से आए? इटौदी से। क्या समस्या है? मेरे को एलर्जी है। हर साल आते हैं पीने? हर साल आता हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? ये कम से कम 7-8 साल हो गए मेरे को। क्या नाम लिखते हैं? कालू सिंह बर्पा। यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के। कैसा लग रहा है यहाँ पर खीर प्रसादी बढ़ती भजन संध्या चल रही है? नहीं, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, यहाँ खीर प्रसादी बढ़ती बताते हैं उस पर फायदे मिलते हैं, रोगों में दूर होते हैं? हाँ, शरद पूर्णिमा है तो फायदा तो मिलेगा, कि कई बीमारियाँ दूर हो जाती है। हाँ, बता सुना दे, बहुत ही बीमारियाँ। पी नहीं है कभी? हाँ, पहली बार पी रहे हैं हमको, बाकी घर वाले पीते, होती है बीमारियाँ दूर। खीर पीने आए? एलर्जी, इसलिए खीर पीने आए। दवाई तो काका का कहना है कि सबको तो नहीं लेकिन अधिकतर लोगों को फायदा मिलता है क्योंकि खीर में कई तरह की जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती है, दमा हो, सांस की समस्या हो या शरीर की और कई भी बीमारियाँ हो, पीने से दूर हो जाती है। शादी पीने आए? हाँ। कितने सालों से आ रहे हैं? 3 साल के पी रहे हैं। क्या शिकायत थी आपको, दूर हो गई? हो गई नहीं। क्या बीमारी थी? सांस की थी। सांस दूर हो गई? हाँ, हो गई नहीं। 5 साल से? 5 साल से आ रहे हैं। तो पहले का पथराड़ जाना पड़ता था? पथराड़ जाना पड़ता था, उसके एक बार वहाँ गया था सेंधवा। अच्छा, वहाँ भी गया था। मेवालाल जी पाटीदार गायत्री परिवार वहाँ से भी थी। क्या क्या समस्या है? बस ये एलर्जी का है। साक्षी कहाँ से आए? राज बड़गोंदा से। खीर पीने आए? हाँ। खीर पीने से बीमारियाँ दूर होती है बोलते तो है, इसीलिए आए। पहली बार आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। क्या नाम है आपका? सुशीला चौहान। सुशीला जी कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए। इंदौर से दवाई पीने आए? खीर पीने आए दवाई के लिए। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ खीर बटेगी?
मेरी बहन ने फोन लगाया, मेरी सिस्टर ने, इसलिए कि यार दम की और कोई एलर्जी की दवाई देते हैं तो आप आ जाओ। रेखा पवार सनावत से आए। हाँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ सनावत? 60-70 किलोमीटर रहेगा। हाँ। तो क्या भजन सुनने आए हैं या खीर पीने आए हैं? दवाई पीने के लिए आए हैं। क्या समस्या है? पेट की समस्या है। खीर पीने आए, भजन सुनने आए थे? खीर पीने। क्या फायदा मिलेगा? एलर्जी का। कितने लोग आए साथ में? 8-10 जन आए। अच्छा, देख रहे थे यहाँ पर जो है महिलाएं भी रक्तदान भी कर रही थी, शिविर लगा हुआ था, आप लोगों ने भी किया है? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ममता किशोर पाटीदार। कहाँ से आए? करौंदिया से। करौंदिया से आए हैं? तो क्या मतलब यहाँ भजन संध्या चल रही है तो भजन सुनने आए थे कि खीर पीने आए हैं? नहीं, भजन संध्या सुनने आए। खीर नहीं पियेंगे? पियेंगे ना। बताते हैं कि ये जो खीर प्रसादी बढ़ती है वो जड़ी बूटियों से मिली हुई होती है और पहली बार आए हैं पीने। पहली बार आए हैं। क्या नाम लिखते हैं? सुरभि पाटीदार। सुरभि कहाँ से आए? उमिया धाम करौंदिया। करौंदिया से आए। हाँ। करौंदिया माता जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। अभी वहाँ पे नवरात्रि का 9 दिन का उत्सव भी बहुत अच्छे से मनाया गया है। तो बताते हैं कि करीब 108 जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती है इस खीर प्रसादी में और कई रोग जो है तो दूर होते हैं। हाँ, अभी हम लोग भी पहली बार ट्राई करेंगे। हमने सुना इसके बारे में बहुत और मुझे डस्ट से एलर्जी है। डस्ट से एलर्जी है। तो मतलब विश्वास है कि यहाँ से जो पी के जाएंगे काढ़ा से दूर हो जाएंगे? हाँ हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि पूरा अच्छे से पिलाएंगे और उससे हमको फायदा भी होने वाला है। रात के 12:15 बज रहे हैं और खरगोन के करौंदिया गांव में जहां खाटू श्याम का भव्य मंदिर बन रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 3,000 से 4,000 लोग मौजूद हैं और खीर प्रसादी पी रहे हैं, क्योंकि इस खीर प्रसादी में 108 जड़ी बूटियां मिलाई गई है जो शरीर के कई रोगों में फ़ायदेमंद साबित होती है। दमा हो, एलर्जी हो या और भी अन्य शिकायतें हों, उनमें ये दवा रूपी खीर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है और इसी वजह से मध्य प्रदेश के कई ज़िलों से बड़ी तादाद में यहां पर जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं और पूर्णिमा की इस रात को जो चंद्रमा की 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है और उसी की चांदनी में जो यहां खीर प्रसादी तैयार हुई है और इन श्रद्धालुओं को दी जा रही है। देख सकते हैं ये भैया हमारे पास में खीर प्रसादी बाँट रहे हैं और पीछे जो है महिलाएँ हैं, पास में पुरुष हैं बड़ी तादाद में और कम से कम 200 यहाँ पर जो है सेवक लगे हुए हैं जो इस खीर प्रसादी को बांट रहे हैं और भक्तों को पिला रहे हैं ताकि इनकी जो शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकें। कई लोगों ने से जिससे हमने बात की उन्होंने हमें बताया भी है कि कई बार वो यहाँ आए हैं और दवाइयां पी हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।